देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निर्देशांक की अभिधि। निर्देशांक ज्यामिति है क्या, निर्देशांक ज्यामिति का खोज कैसे हुआ और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, मतलब इसका यूज कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते तो कहीं ना कहीं उसका यूज होता होगा ना, इसका यूज कहाँ पे होता होगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहला बात, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे है, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं बताइए, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, उस दिन बताए थे, बोलते बताते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से सॉल्व किया जाता है या बीजगणित के माध्यम से बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या कोई रेखा हो उसको निर्देशांक के अनुसार सूचित किया जाता है, किसके अनुसार सूचित करते हैं, निर्देशांक। अब इस चैप्टर का कुछ कैसे हुआ वो हम आपको बता रहे हैं, इसका यूज कहाँ पर है। देखो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों दिमाग रखिएगा लोग, क्योंकि आगे क्लास में जाइएगा तो ज़्यादा इंग्लिश ही मिलेगा, इसलिए जितना टॉपिक हम लिखेंगे उसका भले अगर भाई देना हो लिखना भूल जाए तो आप इंग्लिश पूछिएगा सर इसका इंग्लिश क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब इसमें देख एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, निर्देशांक ज्यामिति जिसका नाम, उनका नाम था मेनाइच मिस। एक समय की बात है, ये अपने छत पर सोए थे, तो नहीं होता मान लो बुजुर्ग लोग बहू लोग अगर छत पर सोया हुआ है लोग तो ऊपर आकाश की तरफ देखता है लोग, तो एक तारा को देखे थे और वो तारा को देखने के बाद सोचे कि ये तारा हमारे छत के किस हिस्सा में पड़ेगा, मतलब मेरे बाएँ पड़ेगा कि दाएँ पड़ेगा कि आगे पड़ेगा कि। अब उस समय वो कहा कि ये सोना छोड़ दिए, जैसे न्यूटन साहब सर के ऊपर फल गिरा सेब गिरा तो दूसरा कोई जाता तो उठाया खा जाता, लेकिन उनका किए हाथ मन लेकर सोचने लगे कि आखिर ये मेरे ऊपर गिरा क्यों, ये ऊपर ही कहीं नहीं रुक गया। सेम वही बात है उस समय मेनाइच मिस का, उन्होंने सोचा कि ये जो तारा है वो हमारे छत के किस डायरेक्शन में पड़ेगा, किस दिशा में पड़ेगा, और उसके लिए उसने क्या किया अपने छत को चार हिस्सा में बांट दिया। आप देखते हो मान लो संख्या रेखा का नाम सुना है सर ना, संख्या रेखा तो पढ़ा होगा सब, संख्या रेखा में क्या था, मान लो अगर ये कोई हम संख्या रेखा ऐसे लिखे ऐसे है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ये होरिजेंटल इसको क्या बोलेंगे, होरिजेंटल हिंदी में क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है सीधा ये होरिजेंटल कहलाएगा, इसको ऐसे कर देते ये वर्टिकली लाइन जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा हिंदी में कहेंगे। ठीक है, यह है ऊर्ध्वाधर रेखा और यह है क्षैतिज रेखा। तो उसने मेनाइच मेस ने क्या किया उसी रात अपने छत को चार हिस्सा में बांट दिया, ऐसे किया एक एक स्टेप। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है, चैप्टर के बारे में से पूछा जाता है या आसान आसान क्वेश्चन देता है, चैप्टर के बारे में नॉलेज पूरा रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक को नहीं छूटेगा, इसलिए हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब टेंथ क्लास में ये सब ये नाइन्थ क्लास में पढ़ना था जो आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, नाइन्थ क्लास में पढ़ना था लेकिन टेंथ क्लास में चैप्टर स्टार्ट किए थे, फिर एक बार रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन कराने के बाद आप लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए चार हिस्से हम बांटे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये जो लाइन था इसका नाम हमने दिया था क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं होरिजेंटल लाइन, याद रखिएगा नाम, इंग्लिश नाम याद रखिएगा होरिजेंटल लाइन ये कहलाएगा जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसी क्षैतिज रेखा का नाम दिया गया एक्स अक्ष, इसी का नाम क्या दिया गया एक्स अक्ष, यानी कि ये एक्स था और ये एक्स डैश था। आगे बढ़ते ये जो लाइन आपके सामने दिखाई दे रहा है सीधा लंबवत लाइन जो दिखाई दे रहा है इसका नाम दिया था ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया वर्टिकल लाइन या वर्टिकली लाइन भी बोला जाता है। अब देखिए द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको इंग्लिश में x एक्सिस बोलेंगे, इसको इंग्लिश में y एक्सिस बोलेंगे,
इसको हिंदी में एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको हिंदी में वाई अक्ष बोलेंगे, ये क्षैतिज रेखा है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज सिंबल ऑफ वाई एंड इट इज वाई डैश, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ दिस गिवन प्लेन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है हिंदी में इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु कहा जाता है, और इसी मूल बिंदु को इंग्लिश में हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओरिजिन इसको कहा जाता है। अब देखो ये कोब इसमें खंड आपको दिखाई दे रहा है चार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस खंड के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बताएं, हमने संख्या रेखा पढ़ा है, संख्या रेखा जिसको नंबर लाइन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा क्या था, ये लाइन था एक सीधा और बीच में जीरो होता है, जीरो से नंबर आगे बढ़ता है जिसको हम प्लस में कहते हैं, जीरो से नंबर छोटा होता है जिसे हम किस में कहते हैं माइनस में, तो हमने अभी शुरुआत में बताया ये भी तो एक प्रकार का संख्या रेखा है, एक ये क्षैतिज रूप में रख दिया गया है और एक ये ऊर्ध्वाधर रूप में रख दिया गया, तो अगर ये मूल बिंदु है तो एक्स वाला पर भी यह जीरो आएगा और वाई वाला पर भी यह क्या आएगा जीरो आएगा, अभी हम आपको बताएंगे ये कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, बस अभी समझ लीजिए मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है जीरो कॉमा जीरो, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो क्या आंसर दीजिएगा जीरो कॉमा जीरो। अब देखो तो ये अगर ये एक्स एक्सिस है इधर वाला हिस्सा तो प्लस में होगा, ये साइड प्लस में होगा और ये साइड माइनस में होगा, ये साइड प्लस में और ये साइड माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हिंदी में कहेंगे इसको प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, प्रत्येक चतुर्थांश का अपना सिंबल होता है, अपना निर्देशांक होता है साइन के रूप में प्लस माइनस कर दो, जैसे हम आपसे बोले देखो किसी भी निर्देशांक को लिखने के लिए यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है उसमें किसी भी निर्देशांक को लिखने के लिए मान हमको एक निर्देशांक लिखो, कंडीशन क्या होता है निर्देशांक को लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले नियम बनाया गया कि कैसे आप किसी बिंदु का निर्देशांक आप कैसे दीजिएगा, अगर मान लिया किसी भी चतुर्थांश में किसी एक पॉइंट रख दे, मान लिया हम यहाँ एक पॉइंट रख दे, इस पॉइंट के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे हम उस पॉइंट के निर्देशांक को लिखेंगे, तो बताया गया कि किसी भी निर्देशांक को लिखने के लिए सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं और उसके बाद वाई का मान लिखते हैं, हमेशा मान लिया हम यहाँ लिख दे ऐसे छ कॉमा आठ, ये किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो हम पूछेंगे कि इसमें एक्स का मान कितना है, ये एक्स का मान है छः, वाई का मान कितना है, ये वाई का मान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इस मान को और क्या क्या कहा जा सकता है वो आपको हम बताते हैं, इसी मान को इसको कहते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, इसको कहते हैं वाई निर्देशांक, ये है एक्स निर्देशांक और ये क्या है वाई निर्देशांक, इस x निर्देशांक को एक भुज कहा जाता है और इस y निर्देशांक को एक कोटि कहा जाता है, इस भुज को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, ए बी एस सी आई डबल एस ए, मीनिंग याद करना सर इसका, ए बी एस सी आई डबल एस एक्सिस, ये एक्सिस है जिसको भुज कहा जाएगा और कोटि क्या होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अब देख क्वेश्चन क्या था, ये तो हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई निर्देशांक दे देगा और उसमें आपसे कहेगा कि भुज का मान कितना है या फिर कोटि का मान कितना है, इस भुज को दो रूप में कौन आया था तो बटे बटे को देखो, इस भुज को हम क्या देखो भुज का डिफिनेशन भी लिखा जाता है, हम कहेंगे भुज किसे कहते हैं या फिर हम आपसे पूछे कोटि किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ध्यान सुनिएगा, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता है और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है, तो सिंपल आप इतना याद रखिए जो x निर्देशांक होगा उसी को क्या बोलेंगे भुज बोलेंगे, जो y निर्देशांक होगा उसी को क्या बोलेंगे कोटि बोलेंगे, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और आपसे पूछेंगे मान लो माइनस आठ कॉमा छः लिखा है, ठीक है, और आपसे पूछेगा बताइए इसमें भुज का मान कितना है, तो कितना होगा, कोटि का मान कितना होगा छः, ये भुज है
ये क्या है? हम पूछेंगे इसमें x निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक कितना है, x का मान कितना है और y का मान कितना है, कोई दिक्कत इसमें? ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, ये x निर्देशांक और ये याद एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। ये समझ में आया भुज क्या होता है, कुटी क्या होता है, भुज क्या होता है, कुटी क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। बैठो जल्दी बैठो। देखिए अब हमने आपको अभी तक क्या बताया, अभी तक हमने ये बताया कि x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, चतुर्थांश कितने होते हैं, चार होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इस दोनों के कटान बिंदु को यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। ये मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलेंगे और इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, 0। अब हमने आपको सिखाया कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, तो किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y, यानी पहले x निर्देशांक को लिखेंगे उसके बाद y निर्देशांक को लिखेंगे। इसी x निर्देशांक को क्या नाम देंगे, भुज, और इसी y निर्देशांक को क्या नाम देंगे, कोटि नाम देंगे। अब इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए प्रथम चतुर्थांश हम पूछेंगे, प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होगा, देखो x पर भी प्लस और y पर भी, पहले हमेशा x को लिखना है उसके बाद x पर भी प्लस और y पर भी प्लस, यानी प्लस और प्लस इसका साइन हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश का। इसी तरह कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, माइनस और प्लस। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, माइनस और माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, देखिए x पर प्लस है और y पर क्या है, यानी प्लस और, हमेशा पहले x को लिखना है उसके बाद y को लिखना है। अब जैसे कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब समझिएगा कि पहला वाला वैल्यू x का है और दूसरा वाला वैल्यू किसका है, y का है। अब देखो इससे कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, टोटल हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछे, माइनस फाइव भी पूछा जाता है कॉमा माइनस सिक्स, ऐसे दे देगा कोऑर्डिनेट और क्या बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में किस पाद में होगा, इसको चतुर्थांश को पाद बनाया था, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट कहा जाएगा इंग्लिश में। ये कोई हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया और इस कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट वैल्यू इट इज द एक्सिस या फिर जिसको भुज बोलेंगे और ये कोटि। देखिए एग्जाम में आपसे अगर ये पूछ दे ये बिंदु किस चतुर्थांश में है तो क्या कहेंगे, इसमें देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस और माइनस किस में होता है, देखिए तो माइनस माइनस तृतीय में होता है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा। माइनस दो और प्लस फाइव किस चतुर्थांश में होगा, माइनस दो और प्लस फाइव किस में होगा, देखिए माइनस और प्लस एक तो दूसरा में है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, दूसरा में होगा। तब कोऑर्डिनेट देकर निर्देशांक देकर बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो छूट जाएगा, बन जाएगा ना। चल आगे देखो, अब देख इसमें आता क्या क्या है, यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके लिखेंगे, टोटल जो भी मतलब फैक्ट होगा चैप्टर के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो टोटल लिखेंगे। चलो तुम उसको पहले पूछते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष पर वाई का मान किस पर आके काट रहा है, किस पर इंटरसेक्ट किया है, जीरो पर। यानी कि हम आपसे ये कहें x अक्ष पर इस y का मान क्या होता है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, जीरो। तो सेम उसी प्रकार इस y अक्ष पर x का मान क्या होता है, जीरो। यानी कभी भी अगर क्वेश्चन कर दे x अक्ष पर या फिर y अक्ष पर, तो x अक्ष पर कहेगा तो y का मान जीरो हो जाएगा, y अक्ष पर कहेगा तो x का मान जीरो हो जाएगा। तो किस बिंदु का x अक्ष पर निशान क्या हो जाएगा, x अक्ष पर निशान क्या होगा, x अक्ष पर कह रहा है तो y का मान जीरो बोलेंगे, यानी कि x कॉमा जीरो। तो अगर मान लो हम इसे दे दें 5, 0, हम कहेंगे ये बिंदु किस अक्ष पर पड़ेगा, देखो किसका मान जीरो है, y का मान जीरो है, इसका मतलब ये x अक्ष पर पड़ेगा, या फिर वैसे लिख 0, 5, ये बिंदु किस अक्ष पर पड़ेगा, y अक्ष पर पड़ेगा, ये x अक्ष पर पड़ेगा और ये किस पर पड़ेगा, y अक्ष पर पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ रहा होगा, तो इसी जितना टोटल फैक्ट है उसको हम जितना आप लोगों को लाइन में लगा। सबसे पहले ये टोटल संरचना जो हमने बनाया है सबको क्या कहता है, कौन सा प्लेन इसको बोलेंगे हम लोग, कार्तीय तल कहा जाएगा, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है इंग्लिश में, ये कार्तीय तल है, इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। तो कार्तीय तल में कितने खंड होते हैं, चार खंड होते हैं, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ का प्लस। कोई डाउट किसी प्रकार का, आगे बढ़ते हैं, जिसमें डाउट होगा पूछना, सब जहाँ भी डाउट होगा इसमें।
एक भी सस्पिशन दिमाग मत रखिए। देखो किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक आपको स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात थोड़े है, चैप्टर के बारे में नॉलेज टोटल रखिए, उस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देख आगे बढ़ते हैं, अब यह सबसे पहला पॉइंट। अब ये बताओ ये दोनों अक्ष एक दूसरे को कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री है। ये भी पूछा जाता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितना डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। नंबर एक पर हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहला एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को लिखेंगे हिंदी में और टोटल वर्ड बोलेंगे इंग्लिश में, पहले हम बता दे रहे हैं ताकि जो वीडियो देखेगा इंग्लिश वाला को भी समझ में आए। मतलब भाई सर खाली हिंदी में पढ़ा रहे हैं कुछ बता ही नहीं रहे। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। कोई डाउट इसमें? नंबर सेकंड टॉपिक, दोनों टॉपिक देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। एक्स अक्ष वो तुम्हें लिखेंगे, आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों नंबर डिग्री पर छेद करते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर अगला टॉपिक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, आज पूरा चैप्टर के बारे में बता देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो एक्स अक्ष पर भी जस्ट हमने बताया है एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, 0। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या हो जाएगा, 0। एक्स कॉमा ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी पूछ देगा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, आपका कही एक्स कॉमा 0 होता है। और सेम उसी तरह वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होगा, 0, 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 0
कॉमा जीरो और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जीरो कॉमा वन, यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जीरो कॉमा वन। अगला नंबर चौथा, एक्स निर्देशांक को ही भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक भुज कहा जाता है, भुज तथा यहाँ पर हमने बताया अभी जस्ट आपको को वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक कोटि कहा जाता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें कोटि कहा जाता है। देखिए x निर्देशांक, सो कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x दैट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये आप दिमाग में बात रखिएगा, भुज और कोटि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भुज का मतलब क्या, x निर्देशांक को भुज कहेंगे, कोटि का मतलब क्या, y निर्देशांक को कोटि कहेंगे। अब देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या, अभी तक हमने आपको केवल इस चैप्टर के बारे में बताया कि क्या क्या आ सकता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, कितने चतुर्थांश होते हैं, प्रत्येक चतुर्थांश का निर्देशांक चिन्ह क्या होता है, इसका क्या होता है, ये सब इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, और टोल बात समझ में आ गया। आगे अब आपको इसमें हम ये बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, नाइन्थ में आपको पढ़ना था किसी बिंदु को कैसे हम किसी चतुर्थांश में हम दर्शाते हैं या किसी भी क्वाड्रेंट में कैसे किसी बिंदु को हम दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए था नाइन्थ में कैसे था, देखिए था माइनस पाँच कॉमा छः, इसका सही कहाँ पर होगा, माइनस पाँच कॉमा छः किस चतुर्थांश में पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, ये नाइन्थ क्लास हमको सीखना था। लेकिन टेंथ क्लास हमको पढ़ना आपकी आई थी क्या करेगा, कोई एक पॉइंट किसी चतुर्थांश में मिलेगा, फर्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, कोई एक पॉइंट किसी चतुर्थांश में मिलेगा, इसमें दे दे, इसमें दे दे, इसमें दे दे या फिर कहीं पर दे दे, और कहेगा उस पॉइंट का दूरी इस मूल बिंदु से कितना होगा, इस एक पॉइंट का दूरी किससे मापा जाता है, मूल बिंदु से मापा जाता है। पूछेगा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी कि What is the distance of a point from origin in any coordinate? किसी भी coordinate में किसी एक बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी मूल बिंदु से दूरी निकालने के बारे में पढ़ना पहला टॉपिक। दूसरा, if two points are given in any coordinate, suppose that it is the first point, it is the second point, the coordinate of the first point is x1 and y1 and the coordinate of the second point is x2 and y2. The distance between both point A and B, the symbol of first point is A and it is B. The distance between A and B, that is called distance formula. यानी कि दो बिंदु
अगर दो बिंदु दे देगा तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे जिस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र के लगे आपको हम जस्ट बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। यानी कि इसमें सबसे पहले आपको करना है कोई एक पॉइंट देगा तो मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे, दूसरा दो पॉइंट दे देगा तो उसका दूरी कैसे निकालेंगे, दो दो पॉइंट ने संभाले दो पॉइंट हमें दे दिया इस दोनों पॉइंट के बीच दूरी हम कैसे निकालेंगे ये भी आपसे पूछ सकता है। तीसरा आपसे क्या मतलब इसमें तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, तीसरा टॉपिक ये पढ़ना है मान लीजिए कोई एक लाइन है, यह एक लाइन है और इस लाइन पर इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स वन है और वाई वन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू है। तो उनको पता रहेगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तब ना इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में, पहले से पता हमको ये पढ़ना है। देखो तीसरा टॉपिक क्या देगा, एक लाइन दे देगा ठीक है और इस लाइन पर एक दूसरा बिंदु आएगा, मतलब देखो रेखा का विभाजन दो रूप में किया जाएगा आप लोगों को इलेवेंथ में अलग पढ़ना है, टेंथ में विभाजन दो रूप में होगा, एक होगा अंतर विभाजन एक होगा बाह्य विभाजन। तो जो टेंथ क्लास में हम लोग पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है अंतर विभाजन, इसी में जाइएगा तो उसमें आप लोग को पढ़ना है बाह्य विभाजन। टेंथ क्लास में खासकर टेंथ में अंतर विभाजन के बारे में पढ़ना है, एनसीईआरटी में केवल अंतर विभाजन के बारे में प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन अलग अदर प्रकाशन पढ़िएगा आर डी शर्मा या फिर आप पढ़िएगा एस एफ उसमें एक का दूसरा क्वेश्चन दे दिया है बाह्य विभाजन पर। देखो ये तो मान लो कोई रेखा ये पॉइंट को ये पॉइंट आ गया पी और ये पॉइंट इस टोटल लाइन को किसी न किसी रेशियो में तो बांटेगा, मान लेते हैं इसको एम वन, यहीं पे जब आता है तो यहीं पर कहाँ बजाता है ऐसे कंडीशन दे देगा तब कहेगा आप इस पॉइंट का निर्देशांक बताएंगे, इस पी पॉइंट का निर्देशांक क्या हो। तो सिंपल हम आपको ये बता रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अब इस पर भी क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के देगा आपको। अगला टॉपिक क्या होगा, इफ द वन पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ द गिवन एनी लाइन, किसी भी एक लाइन का कोई अलग लाइन है जो ये मिड पॉइंट है मध्य बिंदु जिसको हिंदी में कहेंगे मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका भी निर्देशांक आपसे पूछेगा कि मध्य बिंदु है तो सीधा सी बात है कि ये भी जितना हिस्सा इसका होगा उतना हिस्सा यानी एम वन एम टू बराबर होगा, तो उस कंडीशन पर भी आपसे पूछेगा कि इस पी का निर्देशांक बताइए। तीसरा क्या आपसे पूछा जाएगा, कोई एक ट्रायंगल दे देगा, एक ट्रायंगल दे दिया और ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा इसका एरिया बताइए, एरिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोग मूल बिंदु से बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी लिखेंगे, फार्मूला प्रूव भी किया जाएगा, इतना जल्दी नोट कर लेंगे, वीडियो बंद करें तब तक वीडियो रोको। अब देखो जितना टॉपिक सुनो पहले, जितना हमने आपको पढ़ाया जितना टॉपिक हमने आपको पढ़ाया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास कर इतना में से पूछा जाता है आपसे, पूछ देगा जैसे मान लें हम आपसे पूछ देंगे कि भुज क्या होता है या फिर कोटि क्या होता है, ये सब तो एकदम पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा भुज क्या होता है कोटि क्या होता है, भुज क्या होता है कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष बताओ, एक्स अक्ष दे दे, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, क्षैतिज क्या कहा जाता है, y अक्ष क्या कहा था, उर्ध्वाधर क्या कहा था, x अक्ष और y अक्ष के दूसरे कितना डिग्री प्रतिच्छेद देते हैं, और इस प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है इस बिंदु को क्या नाम दिया था, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0, इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है वर्टिकल लाइन। सबसे पहला टॉपिक में लिखा x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं आपको दिखाई दे रहा है, अगर वाई का मान जीरो है तो एक्स अक्ष पर कहा लाएगा, एक्स का मान जीरो है तो वाई अक्ष पर कहा लाएगा, ठीक है। अब इतना बताने का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी एक बिंदु का मूल बिंदु से दूरी हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कहा गया दस्तक सब मिटा देते हैं Thank you.
जितना हम पढ़ा लेते लोग बस उतना कंप्लीट करते रहो, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, सौ क्वेश्चन देना है। पिछला बार 100 क्वेश्चन दिया था, 100 में 50 बनाना है। बताओ जब 75 नियम मनियम पढ़ के जाएगा वो बना देगा। ये बात सही है सर, बच्चा अगर ये 60 के बाद से लिख रहा है तो उसको अच्छा से नंबर चेक नहीं कर रहा है। अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहला मूल बिंदु से और नीचे, किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मतलब कोई भी पॉइंट दे दे, किसी भी क्वाड्रेंट में दे दे, तो उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, यह एक क्वाड्रेंट है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। हम कहते हैं कि ईट इज अ पॉइंट, मान लिया वो पॉइंट है और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स कॉमा y, दोनों प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा और ये भी क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, साइन प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो मान लीजिए प्लस प्लस, इस पॉइंट का नाम ले लिया ई। देखो ये एक्स अक्ष को दर्शाता है, पहला जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स अक्ष को बताता है कि एक्स अक्ष पर कितना दूर चला गया है, और ये वाई अक्ष को बताता है कि वाई अक्ष पर कितना दूर चला गया है। तो यहाँ एक्स है, इसका मतलब अगर इसको डॉट डॉट से नीचे मिला है, डायग्राम समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका बन गया, डॉट डॉट से नीचे मिला है, तो यही इतना डिस्टेंस एक्स है, यही ना एक्स एक्सिस है, ये एक्स हो गया इतना वाला, और ये वाई वाला वाई एक्सिस पर इंडिकेट करता है, तो वाई वाला ये इतना मान लो इधर है, ये हिस्सा इसके बराबर होगा, इसको मैंने क्या लिख दिया वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर इतना डिस्टेंस चला गया है और एक्स एक्सिस पर इतना डिस्टेंस चला गया, और यही ना डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस निकाला। देखिए ये जो है ये x है और ये क्या है y, आप बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको a मान लेते हैं, ये o हो गया, इसको हम b मान लेते हैं, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ना डिस्टेंस है जो ओरिजिन से हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालता है। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड प्रोटेनस को निकाल लें, कर्ण को निकाले, इसका मतलब इस पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी द डिस्टेंस ऑफ बेस बी ओ ओ बी दैट इज x एंड ए बी वाई। तो आप ये बात जानते हैं कि क्या त्रिभुज ए बी ओ बी, ए ओ बी क्या क्या दिया हुआ है, ओ बी का मान दे दिया है कितना एक्स और ए बी का मान कितना दे दिया है वाई। आप ये बात जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लोग पढ़ा होगा, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बात सुनिए, अगर आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और ये आपको कितना नंबर का प्रूफ करने के लिए आता है, 5 नंबर का। आगे जब ट्रायंगल आप लोग पढ़िएगा तो उसको प्रूफ कराया जाएगा। इसमें आपको बस इतना याद रखो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप बताइए, हम लिख सकते हैं कि नहीं, यही ना एओ निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यू हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम, एओ हमको निकालना है, एओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड दैट मीन्स एओ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी द फर्स्ट साइड एंड ए बी इज द सेकेंड साइड। इसको बेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, हिंदी में इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, और ये कर्ण है। अब ये दोनों ऐसे भी आपस में चेंज भी होता रहता है, आपको जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे तो ये चेंज भी होता रहेगा, तो उसमें आप लोग को बताएंगे। अब देखो अगर यहाँ से एओ का मान निकालते स्क्वायर में कैसे उठाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी का मान कितना है एक्स है एक्स स्क्वायर, ए बी का मान कितना है वाई है वाई स्क्वायर, यानी कि एओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स if one point is given in the any coordinate which is the first point a, the coordinate of a is x comma y, the distance
from this point from origin, then we formalize x square plus y square. इसका मतलब मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होगा, याद रखो कोई फॉर्मूला घटिए मत, सीखो कि वो आया कहाँ से, मूल बिंदु से दूरी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या हम सब फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस यानी कि एक्स से जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर तब समझ में आएगा। हमें क्वेश्चन दिए -3.4 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मूल बिंदु से दूरी बताओ। इस पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या लिखेंगे, एक्स का मान होता है और ये ओरिजिन से चुकी, एक्स बराबर -3 और वाई बराबर 4। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हमने बताया, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू रख देंगे -3 हो जाएगा, प्लस वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल 3 का 9, 4 का 16, अंडर रूट 25, मान कितना गया 5। और देखो यहाँ सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कितना लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है 5 लिखा, 5 मात्रा लिख दो, 5 मात्रा यूनिट में, 5 यूनिट लिखेंगे यूनिट। बात समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आ रही है वाला, ये फॉर्मूला का समझ में आया होगा, किसी बिंदु का मूल बिंदु दूरी निकालना तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लाए कहाँ से भी आप लोगों को समझ में आएगा, सेम उसी प्रकार। देखो एक और बात तुम लोग बताते हैं, अब अगला टॉपिक क्या आपको पढ़ना है कि दो पॉइंट देगा, मान लीजिए एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, अब कहेंगे इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, इसका फॉर्मूला हम आपको बस फॉर्मूला लिख रहे हैं, x2 - x। देखिए आज हमने बस आपको इतना बताया कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु दूरी क्या होता है, चैप्टर के बारे में काफी डिटेल में आपको बता दिया। आपका काम है जितना बता दिया उसको एक से दो बार आप वीडियो देखिए घर पर बैठकर, या फिर जो पढ़ाई उसको रिवीजन मन में करते रहो, कॉपी में नोट करिए, और एक एक टॉपिक कोशिश करो कि जिस तरह अपने मन से लिखे हैं वैसे आप लोग अपने मन से कॉपी पूरा करो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा, और एक बार दिमाग में सेट हो गया तो फिर वो खत्म नहीं होगा। चल आगे हम इसके बारे में दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने वाले कल पढ़ेंगे लोग, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। टोटल एक क्वेश्चन आपको लिए हम देते हैं, इसका सब कुछ बना के दिखाओ तेजी में एकदम फास्ट। a, b का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, कलम चलाने का जरूरत नहीं है, कलम चलाना शुरू कर दिया सर, कलम चलाने का जरूरत नहीं है, ये एक्स का मान है और ये क्या है वाई का मान है, और हम ये बात जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये अंक में हम दिए रहते, जैसे मान लिया हम तभी ये दे देते 6.8 का मूल बिंदु दूरी बताइए, हम ऐसे देते 6.8 का मूल है, बात बताओ 6.8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तब आप निकाल सकते हैं आराम से, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस में क्या कर लेंगे 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 अंडर रूट 100, इसका मतलब कितना आ गया 10। एकदम आसान है, ऑब्जेक्टिव में देगा तो सही से बता दीजिएगा लोग। चलिए बंद कर दो,